कि एक बार खड़ा होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। चाहे खप चुप है, अगर खड़ा हो, बीच में कौन खड़ी है? अरे दू गो महिला का एक बैठी हुए खड़ा हो, अब उधर क्या करे, तीन चार गो बैठा हुआ खड़ा हो सर। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत खुशी की बात है कि यहां योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधारे हैं, यहां उपस्थित हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राज्यपाल महोदय श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी और श्री गिरिराज सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और श्री विजय कुमार सुन्हा जी, यहाँ माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित लाखों की संख्या में बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आज यहां पधारे हैं और आगे भी बिहार के विभिन्न हिस्सों पर आते रहेंगे। ये बहुत खुशी की बात है। अब यहां जो कुछ भी आज के कार्यक्रम के बारे में माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने इसकी जानकारी दी और सब चीजों के बारे में आपको बता ही दिया है, और ये बहुत खुशी की बात है कि 14 परियोजनाओं का शिलान्यास और 36 परियोजनाओं का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। इन सभी परियोजनाओं की लागत 1,62,000 करोड़ रुपए है। साथ ही एक तेल वाहक जहाज एवं 4 ट्रेनों की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। पशुपालकों की सुविधा के लिए भी कई काम शुरू किए जा रहे हैं। इनमें बिहार से संबंधित भी कई योजनाएं हैं जिनकी कुल लागत 27,000 करोड़ रुपये है। बरौनी रिफाइनरी को अपग्रेड किया जा रहा है और इसको विस्तार करने के लिए नई योजनाओं को शुरू की जा रही है। तो अनेक प्रकार के काम यहाँ पर चल रहे हैं और उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधारे हुए हैं, वो आप सबको इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और एक बात जान लीजिए कि मुझको बहुत खुशी है कि वो आए हैं और आगे आते रहेंगे। और आप जान लीजिए, अब आप लोगों को हम कह देना चाहते हैं, आप इस बार जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि बिल्कुल भारी संख्या में और बहुत बड़ी संख्या में 400 से ज्यादा जरूर जीतेंगे, ये हमको पूरा भरोसा है। और आपकी इतनी संख्या अभी वहां भी देखे हैं, यहां भी देखे हैं, लड़के और लड़कियों को, तो मुझे बहुत खुशी है कि सब एकजुट होकर के रहिए और सब कुछ करिए। भाई हम बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम फिर आ गए, अब हम परमानेंटली रहने के लिए आ गए हैं, चिंता मत करिए। आप जानते ही है ना, यहां पर अभी मंत्री बने हुए हैं केंद्र में गिरिराज सिंह जी, तो आखिर हम साथ ही न थे, यहीं पर न काम कर रहे थे, तो कितना काम हुआ था जी।
पांच से लेकर के लगातार हम लोग कितना ज्यादा काम किए, कितना विकास हुआ और चारों तरफ आ करके कितना पूरा पूरा काम किए हैं, तो हम लोग तो करते रहेंगे। और उसी समय अनुरोध भी किया कि यहाँ पर और हो जाए केंद्र सरकार की तरफ से, तो अभी तो अपने आप ने तीन तरह का काम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं, नए चीज का उद्घाटन कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप बहुत आगे बढ़िएगा। तो इसके लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूँ और आप सब लोग पूरी खुशी के साथ यहाँ पर हैं, तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि एक बार खड़ा होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए।